प्रदेश के 15 जिले सीलिंग के आदेश के बाद सभी जिलों में सख्ती कर दी गई है। जो जिले सील करने के आदेश दिए गए हैं उन जिलों में हॉटस्पॉट चिन्हित करके उस जगह को सील करने के लिए बिल्कुल तैयारी भी कर ली गई है। मेरठ में भी ऐसे 12 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां पर किसी के भी आने जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहां पर मीडिया का प्रवेश भी पूरी तरह से वर्जित है। आपको बता दें मेरठ के जिन 12 हॉटस्पॉट को सील किया गया है उन सबके रास्ते तेजघड़ी से होकर ही जाते हैं, इसलिए तेजघड़ी पर भी बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस सभी को आने जाने से रोक, सिर्फ पास लगे वाहन और इमरजेंसी वाहनों को ही वहां से जाने दिया जा रहा है। जबकि हॉटस्पॉट वाली जगह पर पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि होम डिलीवरी होगी, वह भी स्वयं पुलिस ही करेगी। अगर किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वह भी पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। मेरठ में 12 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां पर घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है और इन इलाकों को पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में अपने घरों से निकलने पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। हॉटस्पॉट वाली जगह पर आम आदमी के साथ साथ मीडिया को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। मेरठ की कमिश्नर अनीता मेश्राम ने बताया जिन 12 हॉटस्पॉट को सील किया गया है वहाँ पर पूरे इलाके में सैनिटाइजर कराया जाएगा और किसी को भी अफरा तफरी का माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत का सामान होम डिलीवरी कराया जाएगा। एडीजी ने कहा अफरा तफरी का माहौल सोशल मीडिया पर खबर चलने के बाद पैदा हुआ था, लेकिन पूरा शहर को बंद नहीं किया गया है, सिर्फ जो हॉटस्पॉट हैं उन जगहों को चिन्हित करके उन्हें सील किया गया है। बाकी पूरे शहर में पहले की तरह ही लॉकडाउन की व्यवस्था जारी रहेगी और जरूरत का सारा सामान आम जनता को मिलता रहेगा। सिर्फ सील किए गए स्थान पर ही किसी को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस हर क्षेत्र पर निगरानी रखे हुए है। जिन हॉटस्पॉट को सील किया गया है वहां पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। पूरे इलाके में ड्रोन उड़ाया जा रहा है और साथ साथ सैनिटाइजिंग भी इन क्षेत्रों का किया जा रहा है, जिसकी निगरानी खुद अधिकारी मौके पर जाकर कर रहे हैं। किस प्रकार की तैयारी, जैसे कोई क्षेत्र जो प्रतिबंधित क्षेत्र थे जो ड्रोन थे वो कुछ बड़े हैं? देखिए अभी वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 12 हॉटस्पॉट चिन्हित करके उनको पूर्ण रूप से सील किया गया है। उसमें आम पब्लिक का मूवमेंट पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, कोई भी घर से नहीं निकलेगा। जहाँ तक एसेंशियल सप्लाईज की ज़रूरत है वो हम लोग इंश्योर करेंगे डोर स्टेप डिलीवरी। मेडिकल इमरजेंसी अगर कोई होती है तो उसको हमारी एम्बुलेंस उसको अटेंड करेगी, वो आपको खुद घर से बाहर निकलने के लिए ज़रूरत नहीं है। और बाकी इन सभी क्षेत्रों में हम दो एक्टिविटीज़ इंश्योर कराएंगे, एक तो पूरी गहनता से सैनिटाइजेशन पूरा इन क्षेत्रों का प्रॉपरली, और दूसरा पूरा घर टू घर एक एक घर का हम लोग सर्वेलेंस कराएंगे कि किसी भी घर में कोई भी सस्पेक्टेड अगर केस है, किसी में कोई लक्षण है इस टाइप के, उनकी हम स्क्रीनिंग कराएंगे जिससे उनको हम आइसोलेट करके आगे कार्रवाई करें। जो हॉटस्पॉट जोन जो क्षेत्र हैं क्या उनके आसपास के भी कुछ इलाकों को लिया? बाकी तो देखिए लॉकडाउन चल ही रहा है, जो लॉकडाउन है वो तो पूरे जनपद में चल ही रहा है। ये जो 12 है, जो 12 हॉटस्पॉट हैं ये वो है जहाँ पे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, और बाकी पूरे जनपद में अन्य क्षेत्रों में तो लॉकडाउन है ही, निकलना तो कहीं भी अलाउड नहीं है, इनमें बिल्कुल ही अलाउ नहीं करना है। ये है अभी जो आशंका जताई जा रही है कि लॉकडाउन बढ़ सकता है, जैसे शायद कोई शासन आदेश आता है तो वो शासन निर्णय लेगा, जैसे निर्णय लेगा उसी हिसाब से हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। मैम सरकारी किचन कितनी बनी है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको किस तरीके से खाना पहुंचाया जाए? देखिए वर्तमान में जो कम्युनिटी किचन है जिला प्रशासन द्वारा भी चलाई जा रही है, खुद की नगर निगम भी चला रहा है, बहुत सारी स्वैच्छिक संस्थाएं भी जो हैं इस समय पर कुक फूड और ड्राई राशन उपलब्ध करा रही है, और पूरा सबको सिंक्रोनाइज करके हम लोग जितने भी ज़रूरतमंद हैं या वेज अर्नर्स हैं, डेली वाले रिक्शा वाले हैं, उनको हम लोग खाने की जो सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, अच्छी खासी संख्या में उपलब्ध कराई जा रही है, स्पॉट पे जाके उपलब्ध कराई जा रही है। बिल्कुल, इस समय हर चीज़ डोर स्टेप है, पब्लिक को इकट्ठा कहीं होना ही नहीं है, ना हम लोग कहीं किसी को बुला रहे हैं, सबको वहीं पर जाके डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जो हॉस्पिटल एक्वायर करें वहाँ पर पीपी जो किट है उनकी कमी बताई जा रही है? कोई कमी नहीं है, वर्तमान में जितने पेशेंट हैं हमारे पास, जितने हॉस्पिटल हैं, सब जगह पर्याप्त संख्या में वर्तमान में उपलब्ध है, और जैसे जैसे मरीज आ रहे हैं सबको प्रॉपर ट्रीटमेंट जो निर्धारित है प्रोटोकॉल है उसके तहत सबको अटेंड किया जा रहा है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर सुरक्षा को लेकर के क्या क्या इंतजाम? ये सारी व्यवस्था है, कहीं कोई कमी नहीं, किसी चीज़ की सारी सुरक्षा की व्यवस्था है हॉस्पिटल्स में, उनके आवास पे कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत संज्ञान में नहीं आई है, सभी बिल्कुल जो भी प्रोटोकॉल है उसके तहत पूरी कार्रवाई पूरी गंभीरता से की जा रही है। रोल रोल सर, मेरठ में 11 स्थानों को हॉटस्पॉट्स बनाया गया, आप उसी जगह खड़े हैं जहां से पहला पेशेंट मिला, किस तरीके से पालन कराया जा रहा है और किस तरीके से लोगों में एक पैनिक मचा हुआ है, लोग सामान खरीदने के लिए कल भी निकले, पेट्रोल पंप जो देहात के हैं वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, ऐसे लोगों को किस तरीके से समझाया जाएगा? देखिए कल जब कम्प्लीट लॉकडाउन की बात आई थी तो कुछ सोशल मीडिया से इस तरह से बातें फैल गई कि पूरे शहर में लॉकडाउन कराया जा रहा है और इस पे तात्कालिक रूप से कुछ लोग सामान की खरीदारी करने के लिए निकल पड़े थे,
वो कल शाम तक चीज़ों को बता दिया गया, लोग अलर्ट भी हो गए और अब स्थितियां पूर्णतया सामान्य हैं और पूरे जोन में ऐसी 37 जगहें हैं जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, उनको कंप्लीट लॉकडाउन शासन के निर्देशानुसार किया गया है। ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि वहाँ प्रॉपर छिड़काव, वहाँ सफाई और जो एसेंशियल सप्लाईज हैं वो उचित दर पे और उचित मात्रा में ऑन डिमांड हम मुहैया कराएं। इसके लिए कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक कार्य कर रहा है और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि प्रत्येक कॉल जो हमें रिसीव होती है उसको प्रॉपर हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करें और प्रत्येक जगह जो सामान गया है और कहां से सामान गया है इसका भी हम रिकॉर्ड रखें ताकि आम जनता को किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। इसके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग मास्क को पहनें और शासन के निर्देशों का अनुपालन करें और हम लोग पूरी तरीके से सभी आवश्यक सामग्री सही समय पे सप्लाई करने के लिए कटिबद्ध हैं, सक्षम हैं, किसी तरह के सामान की कोई कमी नहीं है। पहले कम्युनिकेशन में पुलिस की और जो जनता के बीच में जो थोड़ा सा लॉकडाउन के बाद में कितना बदलाव आया, ये चीज़ें इसका क्या प्रभाव पड़ा है? जब चीज़ें सामान्य होंगी तो पुलिस पब्लिक रिलेशन को देखा जाएगा। हमारे हिसाब से जिस तरह से पुलिस ने इस तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन में कार्य किया है उससे पुलिस की छवि भी अच्छी होगी और जनता का भी व्यवहार और जनता की सोच पुलिस के प्रति बेहतर। सर, लोग बात जरूरतमंद की दवाई लेने घर से निकल रहे हैं, पुलिस रेगुलर उनका चालान कर रही है, ऐसी बात नहीं है। जिन्हें आवश्यकता है वो फ़ोन भी कर सकते हैं और वैसे सारे चीज़ें नोटिफाइड हैं, उनको हम घर होम डिलीवरी भी कराएंगे। ये जब पुलिस उनको चेक करती है तो इस चीज़ का बहाना भी बनाते हैं, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है। मुझे अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिनके पास प्रॉपर मेडिकल डॉक्यूमेंट हो और उसका किसी तरीके से पुलिस ने उत्पीड़न किया।